हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कॉलर की, कि कॉलर स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं और इसमें प्रॉफिट और लॉस कब होता है। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और एक कॉलर स्ट्रेटजी को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूं ऑप्शन की स्क्रीन पर। और अभी निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रही है, 16134 पे। तो मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगी, तो यहां पे मैं एक फ्यूचर को बाय कर लूंगा। तो फ्यूचर कहां पे ट्रेड कर रहा है, 16122 पे। तो यहां पे मैं फ्यूचर का एक लॉट बाय कर लूंगा। तो अब आप मेरे पे ऑफ चार्ट को देखिए, ये मैंने जुलाई सीरीज का एक फ्यूचर बाय कर लिया जो अभी ट्रेड हो रहा है 16122 पे। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है जैसा कि मेरा व्यू है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा और मेरा लॉस भी अनलिमिटेड है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये नीचे की तरफ जो मुझे लॉस हो रहा है, इस लॉस को मुझे हटाना है, मुझे अनलिमिटेड लॉस नहीं लेना है। कि मार्केट अगर नीचे जाए, मेरा व्यू अगर गलत हो तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो, वो सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक हेजिंग को बाई करूंगा। तो नीचे की तरफ मैं जाके और एक आउट द मनी का पुट ऑप्शन बाई करूंगा, ताकि नीचे की तरफ ये जो मुझे अनलिमिटेड लॉस है इसको मैं हेज कर सकूं, इसको मैं कैप कर सकूं। तो मैं ऑप्शन चेन में चलता हूं। मार्केट अभी कहां पे ट्रेड हो रहा है, देखिए फ्यूचर अभी ट्रेड हो रहा है 16130 पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन चेन में जाऊंगा और 16100 जो कि एट द मनी है उससे नीचे जाऊंगा, और मान लीजिए मैं 15800 का एक पुट ऑप्शन बाई करता हूं जिसका प्रीमियम है 121 रुपीज। तो इसका एक लोट मैं बाई कर लेता हूं। अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट क्या बनता है। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन बाय कर लिया है 200 पॉइंट आउट द मनी में जाके, और मैंने एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया है। अब क्या होगा, 15800 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो उसको फुली हैज करेगा ये मेरा पुट ऑप्शन जो मैंने बाय किया है। लेकिन 15800 से और फ्यूचर का जो मेरा बाइंग प्राइस है उसके बीच में अगर निफ्टी आता है तो मुझे लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, 22,000 रुपीज का। ये जो लॉस आपको दिख रहा है ये उसी एरिया में होगा जो मेरा फ्यूचर का बाइंग प्राइस है उसमें, और जो मैंने पुट ऑप्शन बाय कर रखा है उसमें, ये जो बीच का गैप है इसमें ये लॉस हो रहा है। मैं चाहता तो 16100 का पुट ऑप्शन भी बाय कर सकता था, क्योंकि गैप है यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी कि वो एट द मनी का लेवल हो जाता और उसके लिए प्रीमियम मुझे ज्यादा पे करना पड़ता। जैसे 15800 का प्रीमियम 121 रुपीज मैंने पे किया है, ऐसे अगर 16100 का पुट ऑप्शन बाय करता तो वो एट द मनी हो जाता और उसका प्रीमियम आप देखिए 232 रुपीज है। तो प्रीमियम भी मुझे ज्यादा पे नहीं करना है, इसलिए मैंने आउट द मनी का पुट ऑप्शन बाय किया है। क्यों, क्योंकि मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो इसलिए मैंने फ्यूचर तो बाय कर लिया है, लेकिन नीचे का अनलिमिटेड लॉस हटाने के लिए हम एक आउट द मनी का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। देखिए, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं यही होती है कॉलर स्ट्रेटजी, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। तो मैंने फ्यूचर को बाय कर लिया और आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। अब आउट द मनी का पुट ऑप्शन बाय करने के लिए मैंने 121 रुपीज पे किए हैं। अब ये जो 121 रुपीज पे किए हैं इसमें से भी कुछ पार्ट में मार्केट से वापस लेना चाहता हूं, तो वो प्रीमियम मैं मार्केट से वापस कैसे लूंगा, एक कॉल ऑप्शन को सेल करके। तो मैं आपको ऑप्शन चेन में लेके चलता हूं और हम क्या करेंगे, एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। आप समझिए मैंने क्या किया है, मैंने फ्यूचर बाय किया है, फिर आउट द मनी का पुट ऑप्शन बाय किया है, और अब मैं क्या करूंगा, ये आउट द मनी का पुट ऑप्शन बाय करने के लिए जो प्रीमियम पे किया है इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए मैं आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। तो आप देखिए मैं क्या करता हूं, मार्केट ट्रेड हो रहा है 16100 पे और मैंने 15800 का पुट ऑप्शन बाय कर लिया है, 16100 पे मैंने फ्यूचर बाय किया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा और मान लीजिए 16500 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं जिसका प्रीमियम 80 रुपीज चल रहा है। तो जो 121 रुपीज मैंने पे किए थे मार्केट को ये पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए, उसमें से मैंने 80 रुपीज मार्केट से वापस ले लिया है एक 16500 का कॉल ऑप्शन सेल करके। तो ये देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे 16800 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा लॉस कितना है, 18000 रुपीज का मुझे लॉस होगा। तो ये होती है कॉलर स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखिए ऑलमोस्ट 1:1 है। तो ये कब ट्रेड करनी चाहिए, इसको ट्रेड करने के पीछे क्या एडवांटेज मिलता है, उसकी भी सर्टेन कंडीशंस हैं। लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये कॉलर स्ट्रेटजी होती है और इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, कि हमने जो फ्यूचर बाय किया है उस फ्यूचर में हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो हमने क्या किया, फ्यूचर बाय करना है, उसके बाद आउट द मनी में जाके एक पुट ऑप्शन बाय करना है, और उस पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए जितना प्रीमियम हमने मार्केट को पे किया है उस प्रीमियम का कुछ पार्ट हमें मार्केट से वापस ले लेना है एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करके, और इसी स्ट्रेटजी को कहते हैं कॉलर स्ट्रेटजी। इसमें हम अंडरलाइन को हेज भी करते हैं और हेजिंग की जो कॉस्ट है उसको भी कम
खत्म कर लेते हैं एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करके। तो अब मैं बताता हूँ इसको कब ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:1 ही दिख रहा होगा तो आपको बहुत फेवरेबल नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये आपको कब ट्रेड करनी चाहिए वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्यूचर को बाय करके आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हालांकि आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्यूचर बाय करके और फिर एक कॉलर स्ट्रेटजी को ट्रेड करो। अगर आपने स्टॉक बाय कर रखे हैं, अगर आपके पास अंडरलाइंग है, आपने स्टॉक कैश में बाय कर रखे हैं, देन यू शुड ट्रेड ए कॉलर स्ट्रेटजी। तो उससे क्या होगा, आपने जो कैश में बाय कर रखा है उसको आप हैज कर रहे हो किसी भी अनफेवरेबल मूव से, कि मार्केट अगर नीचे आता है तो आपके इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस ना हो, इस वजह से आप एक पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो। और जो पुट ऑप्शन आपने बाय किया है उसका जो प्रीमियम आपने पे किया है उसके अगेंस्ट आप एक कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो। तो बेसिकली आपने क्या किया है, आपने कैश में तो बाय कर ही रखा है, आपने कवर्ड कॉल सेल किया है और एक प्रोटेक्टिव पुट बाई की है। तो कॉलर स्ट्रेटजी इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव पुट एंड ए कवर्ड कॉल, इसी को बोलते हैं कॉलर स्ट्रेटजी। और ये आपको ट्रेड कब करनी चाहिए, आपने मान लीजिए कोई स्टॉक बाई कर रखे हैं, कैश में आपने स्टॉक बाई कर रखे हैं और अब आपका व्यू है कि इस मंथ मार्केट नीचे जा सकता है, तो आपने तो लॉन्ग टर्म का व्यू लेके बाई कर रखे हैं, तो जो बीच में हिकअप्स आते हैं, एक दो महीने का जो बेरिश व्यू बनता है उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप स्टॉक को बेच के निकल जाओगे, तो वहां पे उसको हैज करने के लिए आपको इस तरह की स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए कि भाई मैंने स्टॉक को बाई कर रखा है, अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैं इसको नीचे की तरफ हैज कर दूं और जो हैजिंग की कॉस्ट मैं दे रहा हूं वो मैं निकाल लूं ऊपर का एक कॉल ऑप्शन सेल करके। लेकिन अगर मान लीजिए आपका व्यू गलत हो जाता है कि मार्केट नीचे ना जाने के बजाय ऊपर ही चला जाता है, तो उस टाइम पे भी आपने स्पेस दी है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो उस अपसाइड को भी मैं कैप्चर करूं और मार्केट ऊपर जाए तो भी आपको प्रॉफिट हो, तो आपने मार्केट के ऊपर जाने के लिए भी मार्केट को स्पेस दी है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर मार्केट नीचे जाता तो लॉस तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे वैसे भी होता, अब आपने उस लॉस को कैप कर दिया है, मार्केट अगर तेजी से गिरता है तो आपको लॉस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अब आपको मैक्सिमम लॉस 18,000 हो सकता है, इससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा मार्केट चाहे कितना गिर जाए। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आपका लॉस अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है इसके पीछे आपको नहीं जाना है, इफ यू आर एन इन्वेस्टर देन यू आर टोटली हेज्ड, अब अगर मार्केट कितना भी गिरता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपने अपने लॉस को कैप कर दिया है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।